देखिए राजेंद्र, आप बुलडोजर कहाँ पहुंचा है, तो बुलडोजर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से टैंक होता है, टैंक के नीचे जो चलने का जो प्रक्रिया होती है उसी तरीके का ये बुलडोजर है। विशेष तौर पर प्रयागराज नगर निगम ने इन जो अवैध धराशाही करने वाली बिल्डिंग है उनके लिए खरीदा हुआ है और जो लगातार ये प्रयास उसका चल रहा है, लगभग हम कह सकते हैं कि आधा हिस्सा ढह चुका है, ढहाया जा चुका है और आप खुद कैमरे पर देख रहे होंगे कि बड़ी तत्परता के साथ जो ये जेसीबी मशीन है, जो स्पेशल मशीन मंगाई गई है जो अतीक और उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, वो चल रही है। बाकी जो जेसीबी की मशीन है वो किनारे खड़ी हुई है और उसकी कोई ज़रूरत आन नहीं पड़ती है और जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो चारों तरफ से यहाँ घेराबंदी करके और आसपास के लोगों को उनके घरों में या दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्डर ऑफ किया गया है, बैरिकेटिंग लगाई गई है और पुलिस के लोग और जो दूसरे जेसीबी मशीन के चालक हैं वो आराम कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके। अतीक और जो ये घर गिराया जा रहा है उससे संबंधित लोग कोई हिंसा ना फैलाएं, कहीं कोई बम धमाका और कोई पत्थरबाजी ना हो सके, इसलिए कोशिश ये है कि चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था रहे। और आप खुद कैमरे की नज़र से राजेंद्र यहाँ बिल्कुल 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 सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। वीरेश हमारे साथ, आप बने रहिए और अब आपने जो तस्वीरें दिखाई है उस पर प्रतिक्रिया लेने का वक्त है, पॉलिटिकल रिएक्शन लेने का वक्त है। अनिल दुबे हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। दुबे साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका इन तस्वीरों पर और अब तक हुई कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? देखिए अजय जी, ये कार्रवाई तो इनको पहले करनी चाहिए थी। आज इनको जब घटना हो गई, ये देखने की जरूरत है कि ये घटना हुई क्यों। अगर आपने पहले से जागरूकता रही होती, आपका पुलिस प्रशासन सो न रहा होता, तो इलाहाबाद की ये घटना ना होती। आखिर ये बदमाश और अपराधी आए कहाँ से, कैसे इनकी बम चलाने की हिम्मत पड़ गई? आज आप बुलडोजर चला रहे हो, जब अवैध निर्माण था और ये माफिया वहाँ पर बिल्डिंग कब्जा कर रहे थे, बना रहे थे अवैध रूप से, उस समय ये कार्रवाई क्यों नहीं की? तो सरकार कहीं ना कहीं इन घटनाओं के पीछे सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है और उसके फेल्योर की वजह से दो दो पुलिस वालों की हत्या हो गई, उमेश पाल की हत्या हो गई और आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज से मुक्ति मिल गई। अगर माफिया राज से मुक्ति मिल गई थी तो ये घटना कहाँ से हो गई? ये देखना पड़ेगा कि ये माफिया है कौन जी। आपकी सरकार में, आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है और या जो है वो मिट्टी में मिल गया है। अगर ये सारे लोग जेल में है, ठीक है, इस पर हम भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से सवाल पूछेंगे। आपका कहने का अर्थ ये है और सारांश ये है कि ये तो पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है तब जबकि घटना हो चुकी है, जबकि उमेश पाल की हत्या की जा चुकी है और जब कार्रवाई पहले से करनी चाहिए। ठीक, आगे सर बात आपकी। इनका कहीं ना कहीं से पहले हो रहा है, ये तो यही 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 उत्तर लेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई यही थोड़ा हुई घटना, लखीमपुर की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, कानपुर में दो लोग, दो महिला माँ और बेटी जिंदा जल के मर गए। एक बात मैं और आपको दिखा देता हूँ दुबे साहब और हमारे तमाम प्रवक्ता देखेंगे। एक ऐसी महिला की पीड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका आरोप है कि उसकी संपत्ति पर अतीक अहमद के गुर्गों ने कब्जा कर लिया है। यह बातचीत उस वक्त की है जब प्रयागराज में सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलने जा रहा था। देखिए राजेंद्र जी, ये बात तो शासन प्रशासन और हम लोग की प्रॉपर्टी दराधम काके 2 करोड़ की 20 लाख में लिखवा ली है, हमारे ऊपर कहते हैं कब्जा भी कर लिए हैं सामने वाली प्रॉपर्टी के, लेकिन कोई भी हम लोग का FIR नहीं लिख रहा है। आवेदन दे दे के थक गए हैं सर हम लोग और अब कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं। तो जान से मारने की धमकी लेके आई हैं आप? जान से मारने की धमकी? जी सर, जान से मारने की धमकी दे चुके, घर से सामान फेंकने की धमकी देते हैं हम लोग। ये देखिए पुलिस वाले लोग जांच के नाम पे उनके पास हलवा खा रहे हैं, ये देखिए हलवा खा रहे हैं जी, गाजर का हलवा खा रहे थे। हमारे पास जांच के लिए आए थे तो मैं आवेदन देने वाली हूँ, मेरे को कोई पूछने नहीं आया। जहाँ पे कब्जा है वहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई भी FIR लिखने को तैयार ही नहीं है। हर जगह मैं दे चुकी हूँ, ये देखिए कहीं पे भी नहीं बचा है। मैं 10 जनवरी से घूम रही हूँ सर, कहाँ जाएंगे हम लोग? आम आदमी है बोलते डराए कैसे हैं? एक बात बताइए सर, हम लोग कहते हैं कमाने खाने वाले आदमी, कहाँ से किसी से उलझेंगे? कोई डरा दिया, कोई बैठा के लेके साइन करा दिया। आज रजिस्ट्रार लोग की हालत ऐसी है कि कोई भी कैसे भी साइन करवा दे रहा है। सर मैं आवेदन ही दे दे के, मेरे पास तो ये पूरा खाका बैठ गया है। एग्रीमेंट की कॉपी है सर, जो रजिस्टर एग्रीमेंट बैठा के इन लोग लेके गए और साइन करा के इनको छोड़ दिया। जी जी बैठा।
इससे पहले कि राजनीतिक अपने मेहमानों से इस पर टिप्पणी लें, वीरेश पांडे जिन्होंने आज सुबह सुबह ही ये बात की है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, ये महिला खुद आपके सामने आई जब आज ये बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला था? निश्चित रूप से ये आकर यहाँ खड़ी थी और वो कोशिश कर रही थी कि प्रशासन उनसे बात करे, लेकिन प्रशासन ने उनसे लगभग 3 महीने से बात नहीं की है। जब जब वो जा रही हैं दर दर भटक रही हैं, और यहाँ के हम बात करें कि जिलाधिकारी हों, यहाँ के आयुक्त हों, सबसे उन्होंने मुलाकात की है, पुलिस के कमिश्नर से भी मुलाकात की है, चिट्ठी पत्री वो लगातार दिखा रही हैं, इतना बड़ा बंडल लेकर चल रही हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसके कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा है। और कब की बात है, इसी अक्टूबर की बात है, हम चल रहे हैं मार्च में और अक्टूबर में वो जमीन पर कब्जा होता है जब कानून के शासन और कानून के राज की हम बात करते हैं, और ऐसे में इसी प्रशासन ने और इसी संस्था ने और सारे लोगों यही सवाल काम किया है, तो ऐसे में वीरेश यही सवाल है। आइए, बातचीत आपकी इस मोड़ पर आकर बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।